लोकसभा चुनाव के बाद देश में शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव के नतीजे आए। जिन राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए उनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार शामिल है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के सहयोगी इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की, जिसके बाद पूरे खेमे में खुशी की लहर छा गई है। उपचुनाव की जीत के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और बोले कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। तो वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया और बोले कि इस उपचुनाव में विजय प्राप्त करने वाले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समस्त उम्मीदवारों को मैं बधाई देता हूँ। जनता ने फिर असत्य, द्वेष और नफरत को नकार कर सत्य, न्याय और भाईचारे की विचारधारा पर अपना विश्वास की मोहर लगाई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया और बोले कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दलों का परचम न्याय की जीत का परिचायक है। इंडिया गठबंधन के समस्त विजय प्रत्याशियों को बहुत बधाई। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता भाजपा तानाशाही को हटाकर इंडिया के साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी और सहयोगी दल एनडीए ने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे रहे कि एनडीए जीत कर भी हार गई। ऐसे में अब 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने फिर एक बार एनडीए को बड़ा झटका दिया है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।